गाते बोते हुए अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आप वो लोग हैं जिनको मैं शायद पर्सनली कभी मिल ना पाऊं। वो इसलिए कि ना जाने आप कहाँ कहाँ किस कोने में बैठे हो, पर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, वो है प्रो गिटारिस्ट सुमित। तो डियर फ्रेंड्स, प्रो गिटारिस्ट सुमित में जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, कहां से बनते हैं और हमें किस प्रकार से इन कॉम्बिनेशंस को याद रखना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सर्कल जो कॉर्ड्स का बनता है, जो कंप्लीट सर्कल बनता है, वो कितने कॉर्ड्स का होता है। आपने अभी तक ये सुन रखा होगा जो गिटार बजाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छा बजाते हो। लेकिन गिटार बजाना एक अलग चीज है और गिटार को समझते हुए बजाना एक अलग चीज है। तो गिटार को समझते हुए बजाने का मतलब ये है कि अगर आप एक कॉर्ड बजा रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होगा या नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा होगा और इसके अलावा और कौन कौन से कॉर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, जो तीन मेजर कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन में आते हैं वो तीन मेजर कॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्राइड, TRIAD। और उन तीन मेजर कॉर्ड्स के तीन रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स होते हैं और जब ये छह कॉर्ड्स मिलके एक दूसरे के साथ एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तब एक गाना पूर्णता उसमें समा जाता है। बहुत रेयरली होता है कि इन छह कॉर्ड्स में से ना होते हुए भी किसी और कॉर्ड का भी इस कॉम्बिनेशन में यूज हुआ हो, बहुत रेयरली होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये कॉर्ड्स बनते कैसे हैं। तो मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉर्ड कि ये मेजर कॉर्ड है या माइनर कॉर्ड है, ये मेजर कॉर्ड है तो क्यों बना मेजर कॉर्ड, ये मैं आपको बेसिक गिटार की जो मेरी सीरीज थी गिटार विद सुमित उसमें मैं समझा चुका हूँ। आप चाहें तो उसको फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। गिटार विद सुमित जो है उस प्ले लिस्ट में आप निर्वाणा एंटरटेनर्स में जाके उसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर आज मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार कहने में बिलीव नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि अगर एक बात कह दी गई है उस पर अमल होना चाहिए, अगर अमल नहीं करते इसका मतलब आपने हमारी बात पे तवज्जो ही नहीं दी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले आप उसको गो थ्रू कर लीजिए कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। मैं आज के टॉपिक पे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था क्रोमेटिक स्केल से बने मेजर स्केल, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बताने जा रहा हूं कि मेजर स्केल जो है बेस रूट है एक सर्कल ऑफ कॉर्ड्स का। तो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम सी स्केल पे हैं तो सी स्केल को मैं बेस ले रहा हूं, इसके नोट्स क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये जो सर्कल जो इसके नोट्स हैं, तो अगर हम सी कॉर्ड को पकड़ते हैं इसके बाद दूसरा कॉर्ड कौन सा होगा, मैं उस तक भी आपको लेके चलूंगा, और तीसरा कॉर्ड कौन सा होगा मेजर वन उस पे भी ले चलूंगा, और इसके रिलेटिव माइनर्स कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस नोट की जो सीरियल नंबर है, जो डिग्रीज है, वो क्या है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम वन नोट जो सी है, देन फोर्थ नोट जो एफ है, और फिफ्थ नोट जो जी है, इन तीन को पहले पिक करेंगे, पकड़ेंगे। सी नोट को पकड़ा, एफ नोट को पकड़ा, जी नोट को पकड़ा। तो हमने जब पिक किया तो हमने पहले बनाया सी कॉर्ड, देन एफ नोट को पकड़ा था तो एफ कॉर्ड, देन जी नोट को पकड़ा था तो जी कॉर्ड। तो ये हमारा आ गया मेजर ट्रायड, सी एफ। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक फिंगर कैसे रखनी है ये नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये प्रो गिटार सीरीज है, आप वो वहां पे देख सकते हैं कॉर्ड्स कैसे हैं इस तरह की पोजीशन वाले में। तो ये सी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, जी कॉर्ड।
जब अपने 1/4/5 सीरीज को पकड़ा, एक स्केल की 1/4/5 पोजीशन को पकड़ा और उस नोट को मेजर कॉर्ड उस नोट का लगाया, जैसे सी का था तो सी कॉर्ड लगाया, एफ का था तो एफ मेजर लगाया, जी का था तो जी मेजर लगाया, तो ये हमारे मेजर बन गए। तो अब हमने पकड़ने हैं 2 3 6 टू, ये के 1 2, ये आगे 2 3 4 5, ये आगे 6, 1 2 6, 1 2 6। तो डियर फ्रेंड्स, जब 1 2 6 को हमने पकड़ा तो 1 है डी, तो हमने डी माइनर, ये ई नोट है, ये थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी ई नोट है, हमने यहाँ से लिया तो ये माइनर आ गया, और जो ये ए है तो ये हमने ऐसे ले लिया, ये आ गया डी माइनर, ई माइनर, ए माइनर। तो अब देखिए ये सारा सर्कल पूरा हो चुका है, तीन मेजर कॉर्ड का, 3 माइनर कॉर्ड का। आप देखिए कैसे सी एफ जी डी माइनर ई माइनर ए माइनर। डियर फ्रेंड्स, ये जो 6 कॉर्ड आपने अभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए, अब आपको ये समझना है कि सी का रिलेटिव माइनर कौन सा है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा जो मैंने अभी तक आपको समझाया क्या आपको वो समझ आ चुका है? जो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया कि आपने एक स्केल पकड़ लिया। अब मैंने सी का एग्जांपल था, अब मैं कोई और स्केल पकड़ता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये पकड़ता हूं डी स्केल, तो डी से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का डी, 4 का जी, 6 का ए, और वैसे ही डी माइनर, ई माइनर और डी माइनर। ये आ गया, ये आ गया, ये कैसे बने ये अभी मैंने आपको बताया, वही सेम फंडा आपने आगे इस्तेमाल कर लिया, बस आपने फ्रेट पोजीशन चेंज किया, आपके कॉर्ड चेंज हो गए। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूंगा, या इन केस मैं आपको थोड़ा सा सिंपल पहले एक ऐसी एक्सरसाइज बताना चाहूंगा। ये तो आ गया कॉम्बिनेशन, आप किसी भी स्केल को उठा लीजिएगा, उसकी 1 पोजीशन, 4th पोजीशन और 5th पोजीशन को जब आप प्ले करेंगे तो बनेगा मेजर कॉम्बिनेशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन और 6th पोजीशन को आप प्ले करोगे वो बनेगा माइनर कॉम्बिनेशन। तो आपस में अल्टरनेट कैसे हुआ? तो डियर फ्रेंड, सी का अल्टरनेट कॉर्ड बनेगा, सी था 1st पोजीशन और ए था 6th पोजीशन, यानी कि 6th पोजीशन वाले माइनर कॉर्ड और 1st पोजीशन वाला सी कॉर्ड। उसी तरह से 4th पोजीशन वाले का अल्टरनेट बनेगा 2nd पोजीशन वाला, ये 2nd पोजीशन पे था 1 2, तो यहां पे इसका ये आ गया। उसी तरह से 5th पोजीशन वाला का अल्टरनेट बनेगा 3rd पोजीशन वाला, जैसे 3rd पोजीशन वाला, ठीक है, ये आ गया 2nd पोजीशन वाला अल्टरनेट बना 4th पोजीशन वाले का, 3rd पोजीशन वाला अल्टरनेट बना 5th पोजीशन वाले का, और 6th पोजीशन वाला अल्टरनेट बना। थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, 1st पोजीशन वाले, 4th पोजीशन वाले और 5th पोजीशन वाले जो कॉर्ड बनेंगे वो मेजर कॉम्बिनेशन होगा, 1 पॉइंट याद रखिए, 2nd पोजीशन वाले, 3rd पोजीशन वाले और 6th पोजीशन वाले माइनर कॉर्ड बनेंगे, वो रिलेटिव माइनर कॉर्ड बनेंगे। अब वो किसका रिलेटिव है तो मैं बता रहा हूं, 1st पोजीशन वाला जो नोट था, यहां पे सी है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 1st पोजीशन जो होगी, जिसका आधार आपने बेस बनाया है, उस पोजीशन को उसका अल्टरनेट बनेगा 6th पोजीशन, देन 4th पोजीशन वाले का अल्टरनेट बनेगा 2nd पोजीशन, और जो 5th पोजीशन में मेजर कॉर्ड बना होगा उसका अल्टरनेट बनेगा 3rd पोजीशन। इजी है, कंफ्यूजिंग है? स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखते हुए समझिए। देखिए 1st पोजीशन, 6th पोजीशन आ गया, 4th पोजीशन मेजर कॉर्ड, 2nd पोजीशन माइनर अल्टरनेट, 5th पोजीशन मेजर कॉर्ड, 3rd पोजीशन माइनर अल्टरनेट। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ चुका होगा। डू सब्सक्राइब निर्वाणा एंटरटेनर्स और बेल आइकन को जरूर बजाइए,
और अपने कमेंट हमारे तक जरूर पहुंचाइए कि अगर आपको कुछ इसमें और एलाबोरेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वो लेसन ज़रूर बना के लाएंगे। और आई होप आपको हमारे जो प्रयास हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके व्यूज़ हमारे तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू।